please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर, मनोज शर्मा रायपुर से दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक कार्यक्रम के समय आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि अफगानिस्तान से म्यांमार तक सबका डीएनए एक ही है। भागवत के मुताबिक सभी देश भारत का हिस्सा रहे हैं, सबके पूर्वज एक हैं, यही संस्कृति हमें जोड़ती है। अफगानिस्तान से बर्मा तक और तिब्बत की चीन की तरफ धरान से श्रीलंका के दक्षिण तक जितना जनसमूह रहता है उतने जनसमूह का डीएनए ये बता रहा है कि उनके पूर्वज समान है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज, भागवत के बयान को किस तरीके से लिया जा रहा है? दरअसल जो आरएसएस की जो अखंड भारत की परिकल्पना है उसको एक बार फिर से डीएनए के जरिए कि किस तरह से जो मोहन भागवत हैं आरएसएस के प्रमुख हैं वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से चलिए तो आप यहाँ बर्मा यानी म्यांमार तक और साथ ही साथ इधर दूसरी तरफ उत्तर से लेकर दक्षिण पूर्व से लेकर पश्चिम, मतलब एक बड़ी जो अखंड भारत की परिकल्पना है कि अफगानिस्तान से लेकर भी आप जो भारत में आते हैं तो अखंड भारत की जो परिकल्पना है उसमें सभी पूर्वजों के डीएनए एक ही थे। यानी मतलब अब आप जाकर बदल गए हैं, भले ही अलग बातों पर सीमाओं पर लेकर झगड़े हैं लेकिन इस अखंड भारत में पहले डीएनए एक हुआ करता था और ये आरएसएस ने एक बार फिर अपनी जो अखंड भारत की परिकल्पना है इस डीएनए के जरिए सामने रखी है। मनोज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।